अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2 खुदकुश बमबार भी मारे गए। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। PTI का पंजाब असम्बली की तहलील में ताखिर पर इस्तीफे देने का फैसला। इमरान खान के एतमाद के वोट का अमल तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की यकीन दहानी के बाद जमात इस्लामी ने धरना ख़त्म कर दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता धरने में जमात इस्लामी से जो वादे किए वो पूरे किए। हाफिज़ नईम का कहना है कि जमात इस्लामी का मेयर इख्तियारात का रोना नहीं रोएगा, काम करेगा। एशिया कप का शेड्यूल जारी करने पर कोई ईमेल या फ़ोन नहीं आया। एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान और काम आप कर रहे हैं, नजम सेठी का सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड को जवाब। एशियन क्रिकेट काउंसिल का नजम सेठी के बयान पर रद्द अमल। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 खुदकश हमले आवरों समेत 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दीगर तफसील जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 खुदकुश हमला आवरों समेत 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक वाना में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पाक फौज के शोभा तालुकात अमा के मुताबिक फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन करते हुए इलाके में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया है। हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर हाफिजुल्ला उर्फ तोर हाफिज भी शामिल है, जबकि 2 खुदकुश बमबार भी मारे गए। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत पुलिस की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान में इंसदादे पोलियो अमले की सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस वैन पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मूसा जई के करीब वैन पर हमला किया। पहले फायरिंग की गई और फिर दस्ती बम फेंके गए, जिसके नतीजे में 5 अहलकार जख्मी हुए। हमले के बाद पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची और दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द जख्मी हालत में अपने साथियों समेत फरार होने में कामयाब हो गया। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट या असम्बली की तहलील में ताखिर पर इमरान खान ने नए हिकमत अमली बताते हुए कहा कि अगर असम्बली की तहलील में ताखिर हुई तो हमारे अरकान इस्तीफ़ा देकर पंजाब असम्बली से बाहर आ जाएंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट या असम्बली की तहलील में ताखीर पर इमरान ने नई हिकमत अमली बनाते हुए कहा कि अगर असम्बली की तहलील में ताखीर हुई तो हमारे अरकान इस्तीफे देकर पंजाब असम्बली से बाहर आ जाएंगे। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की तहलील में मजीद ताखीर होने की सूरत में इस्तीफे देने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने कहा कि अगर असम्बली की तहलील में रुकावट डाली गई तो PTI अरकान मुस्ताफी हो जाएंगे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने हिदायत की है कि 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से पार्टी लीडरशिप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने सूबाई और मरकजी लीडरशिप को अपने हतमी फैसले से आगाह कर दिया। इमरान खान ने एक बार फिर हिदायत देते हुए कहा है कि पार्टी 11 जनवरी से पहले वजीर आला के एतमाद के वोट का अमल यकीनी बनाए। पार्टी अरकान असेंबली में मजीद नहीं रहना चाहते और अगर असेंबली की तहरीर में कोई रुकावट पैदा की गई तो फिर हमारे MPEs मुस्तफी हो जाएंगे। इलावा अजी PTI के सीनियर लीडरशिप ने इमरान खान को अरकान असेंबली से राब्तों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्हें बताया गया कि मजीद दो आज़ाद अरकान असेंबली से हिमायत के लिए बातचीत चल रही है। इमरान खान ने हिदायत की कि पार्टी एतमाद के वोट का अमल तेज़ी से मुकम्मल करे। जमात इस्लामी कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यकीन दहानी के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यकीन दहानी के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह जमात इस्लामी के धरने में पहुँचे, जहाँ उनके जमात इस्लामी कराची के अमीर इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान से मुज़ाकरात हुए। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गुज़िश्ता धरने में जमात से जो वादे किए वो पूरे किए। कुछ लोग चाहते हैं इलेक्शन आगे हों, उनके कुछ मुतालबात हैं। ताहम बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, इसलिए सिक्योरिटी सख्त है। वजीर आला हाउस के दरवाजे जमात इस्लामी के लिए हर वक्त खुले हैं। वजीर आला हाउस ज्यादा दूर नहीं फेरा जाएगा। हम चाहते हैं एहतजाज ख़त्म कर दें। वजीर आला से मुलाकात में जमात इस्लामी का मौका पेश करूंगा। पीपल्स पार्टी का मुजाकराती वक्त बहुत जल्द इदारा नूरे हक आएगा। नासिर हुसैन शाह मुजाकरात और एहतजाजी मुजाहरे से खिताब के बाद रवाना हो गए, जिसके बाद हाफिज़ नईमुर रहमान की दुआ के बाद जमात इस्लामी का धरना ख़त्म हो गया और रेड जोन में ट्रैफिक के लिए बंद ज़ियाउद्दीन अहमद रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो फौज और रेंजर्स को बल्दियाती इंतखाबात के लिए तलब करे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए। पुलिस पर सिंध हुकूमत असरअंदाज होती है। धांधली रोकने के लिए पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी फौज और रेंजर्स की तैनाती ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी का मेयर फाइल फेंक कर जाएगा, ना इख्तियारात का रोना रोएगा। अवाम पीपल्स पार्टी से अपनी निगरानी में काम कराएं और मोहर तराजू पर लगाएं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और MQM के अख्तलाफात और मुजाकरात नूरा कश्ती हैं। दोनों पार्टियां मिल बांट कर शहर के वसाइल खाना चाहती हैं। PCB की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने ट्विटर पर लिखा है कि जे शाह का एक तरफा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना शेड्यूल का ऐलान करने पर शुक्रिया। जब आप ऐलान कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग PSL का शेड्यूल भी शेयर कर देते। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जय शाह को टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी करने पर तंजिया जवाब दिया है। जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी के बयान पर रद्द अमल देते हुए उसे बेबुनियाद करार दे दिया। समाजी राबते की साइट ट्विटर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा नजम सेठी ने लिखा कि जय शाह का एक तरफा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना शेड्यूल का ऐलान करने पर शुक्रिया, खास तौर पर जिस एशिया कप का मेजबान पाकिस्तान है। जब आप ऐलान कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल भी शेयर कर देते। आपके इस अमल को काबिल सताइश तसव्वुर किया जाता। दूसरी जानिब एशियन क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि नजम सेठी ने ACC के सदर पर तबसरा किया, कैलेंडर की तश्कील और ऐलान को एक तरफा करार दिया गया। ACC ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जुमेरात को कैलेंडर और पाथवे स्ट्रक्चर का ऐलान किया। ACC के मुताबिक कैलेंडर के हवाले इनफरादी तौर पर तमाम शुरका को आगाह कर दिया गया था। ACC का कहना है कि कैलेंडर की ईमेल 22 दिसंबर को कर दी गई थी। मेंबर बोर्ड्स की जानिब से रिस्पांस मौसूल हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस हवाले से तबसरा तजावीज और तरामीम मौसूल नहीं हुई। कबल अजी गुज़िश्ता रोज एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया था।
तीसरी टीम क्वालिफायर वन होगी, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। दूसरी जानिब एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान के सुपुर्द की गई है, ताहम भारत अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर चुका है, इसलिए तवक्को की जा रही है कि टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, ACC के सदर और सेक्रेटरी BCCI जय शाह, हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के अहम रहनुमा और मौजूदा वजीर आला अमित शाह के बेटे हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।